यमुना तेरा वन चार जय राधा माधवा कुंज बिहारे जय गोपी जन वल्लभ गिरवर धारे यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वन चार यमुना तेरा वन चार जय राधा माधवा कुंज बिहारे जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारे यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तेरा वन चार यमुना तेरा वन चार श्री राधा माधव की श्री राधा पार्थसारथी की शिवरात्रि महोत्सव की शिल प्रभुपाद की दाई गौर प्रेमानंदे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर इस्कॉन दिल्ली में प्रातःकाल आज भागवत के अंतर्गत शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष में भगवान भूतनाथ वैष्णव नाम यथा शंभु एक वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक और 12 महाजनों में एक महाजन शंभु उसकी भागवत के अंतर्गत जो महिमा है और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो
परम वैष्णव भगवान शंकर का 8 श्लोकों में गुणगान किया है, उसका श्रवण वर्णन करने का सेवा हमको आज करनी है। सो पहले शिव तत्व क्या है? ब्रह्मा तक तो जीव तत्व है, ब्रह्मा तक जीव तत्व है। बहुत कभी कभार कोई ब्रह्मा के योग्य व्यक्ति नहीं होता है तो भगवान को ब्रह्मा का कार्य करना पड़ता है। साक्षात भगवान ब्रह्मा का कार्य कर सकते हैं लेकिन वो बहुत कम है, सामान्य जीव ही ब्रह्मा होता है। और शंकर जी जीव नहीं है और विष्णु तत्व भी नहीं है, जैसे स्वांश में भी गिनती नहीं है। क्यों गिनती नहीं है? क्योंकि माया के संपर्क में है, दुर्गा के पति है, भवानी है, जगत के पिता है, भवानी जगत की माता है, तो उनके लिए जैसे हम सब ब्रह्म संहिता से पढ़ते हैं कि दूध दूध से दही बनता है, ऐसे भगवान विष्णु ही सदाशिव के रूप में परिवर्तित होते हैं और सृष्टि के कार्य को संपन्न करते हैं। तो जीव और विष्णु तत्व दोनों के बीच में शिव तत्व है और शिव सदाशिव का लोक भी आध्यात्मिक जगत में सत्यलोक से ऊपर व्रज नदी के ऊपर शंकर जी का अपना सदाशिव का स्थान है। और भागवत में तो वैसे शंकर का प्रकट्य ब्रह्मा जी के मस्तक से हुआ है, रुद्र के रूप में प्रकट्य कैसे हुआ? जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए 4 कुमार बनाए और कहा कि सृष्टि बढ़ाओ, तो 4 कुमारों ने कहा नहीं, हम तो साधु बनेंगे, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उनके मस्तक से एक छोटा बालक नीचे गिरा, नीले रंग का था, रोने लगा और कहा मैं क्या करूं, कहां जाऊं? बोला तुम रुद्र हो, रो रहे हो और तुम सृष्टि करो। सो ऐसे प्रकट्य शंकर जी का है। और सामान्य पुराणों के अंतर्गत शिवरात्रि जो शब्द है, रात्रि का मतलब रात को, जो चतुर्दशी की रात्रि होती है, 14 की रात्रि कृष्ण पक्ष की, हर महीने में शिवरात्रि होती है। और जब भाद्रपद के महीने में, इस महीने में ये जो चतुर्दशी अंधेरी आती है कृष्ण पक्ष की, इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। वैसे हर महीने में शिवरात्रि है लेकिन ये महाशिवरात्रि है। और एक पुराणों की कथा के अंतर्गत ये शंकर और पार्वती के विवाह का दिन है। और शंकर और पार्वती का विवाह में कन्यादान भगवान विष्णु ने किया था। एक स्थान है केदारनाथ जाने से थोड़ा सा पहले स्वर्ण प्रयाग से ऊपर एक स्थान है, उसको त्रियुगी नारायण कहते हैं। त्रियुगी नारायण में एक यज्ञ कुंड आज भी बना हुआ है जहाँ गृहस्थी लोग जाके यज्ञ में लकड़ी डालते हैं कि वहाँ शंकर और पार्वती का विवाह किया था। और पास में ही वहाँ पंडित जी बैठा हुआ है कि यहाँ कन्यादान विष्णु भगवान ने किया था। तो ये विवाह का प्रसंग है, उसको शिवरात्रि कहते हैं। और कुछ पुराणों में ज्योत्र शिवलिंग का प्रकट, वैसे अग्नि शिवलिंग ज्योति है, ज्योति अग्नि शिवलिंग का प्रकट इस दिन हुआ। और कई शिवलिंग प्रकट हुए, उनमें से 12 ज्योतिर्लिंग के रूप से अब प्रकट हैं और पूरे भारत में इन 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो हैं। एक वर्ष हम जिसमें रहते हैं जम्बूद्वीप में, इस जम्बूद्वीप में 9 वर्षों में जो मध्य का वर्ष है उसका नाम है इलावर्त वर्ष, ओ शंकर और पार्वती वहां रहते हैं। तो ये शंकर जी का इस धरती के ऊपर जो धाम है वो इलावर्त वर्ष है। और ये जो 9 वर्ष हैं जम्बूद्वीप के, इन सब में भगवान विष्णु की किसी रूप में पूजा होती है। तो शंकर जी यहाँ शंकरषण की उपासना करते हैं, शंकरषण की उपासना करते हैं। और पार्वती और शंकर के अतिरिक्त कोई भी पुरुष वहां नहीं रह सकता है। आदमी में पुरुष क्या नहीं रह सकता है? घोड़ी रह सकती, घोड़ा नहीं रह सकता है, गधी रह सकती है, गधा नहीं रह सकता है, मछली रह सकती है, मच्छर नहीं रह सकता है।
वो ऐसा स्थान है। पार्वती जी कभी स्नान कर रही होगी, कुछ ऋषि आए होंगे, उसको अच्छा नहीं लगा तो शंकर जी को कहा, बोला कोई यहां आएगा स्त्री बन जाएगा। तो चंद्रवंश के वर्णन कैसे शुरू होता है, भगवान श्री कृष्ण का तो प्रकट्य चंद्रवंश में हुआ। चंद्रवंश के प्रकट्य का कि चंद्रमा किसका पुत्र है, अत्रि और अनसूया का, और चंद्रमा का पुत्र है बुध। बुध चला गया, बुध और सूर्य वंश में पहले, सूर्य वंश कहां से शुरू हुआ, भगवान सूर्य से, उसका पुत्र विवस्वत मनु, और विवस्वत का पुत्र सदामन्यु, पहला सदामन्यु, वो घोड़े के ऊपर चढ़ के इलावर्त वर्ष चला गया, घोड़ा घोड़ी हो गया, इलावर्त लड़की हो गया। ये जो लड़की हो गया, उस वक्त बुध ने उसको घूमते हुए देख लिया कहीं, और बुध ने उससे गंधर्व विवाह कर लिया, और इससे बच्चा हुआ पुरुरवा, और उस पुरुरवा से चंद्रवंश शुरू हुआ। और पुरुरवा का विवाह किससे हुआ, कौन सी अप्सरा, कहां से आई, स्वर्ग लोक की अप्सरा नहीं है उर्वशी, भगवान नर नारायण की जांघा से उत्पन्न है। तो भगवान के प्रकट्य के लिए भगवान के उत्पत्त वंश है, और बहुत अद्भुत रूप से शंकर जी के यहाँ लड़के से लड़की हुआ और उसमें से पुरुरवा पैदा हुआ। तो ये पहला सेक्स चेंज का ऑपरेशन शंकर जी के लोक में होता है। सो ये धरती के ऊपर इलावर्त वर्ष में शंकर जी पार्वती के साथ रहते हैं, और कैलाश में शंकर जी पार्वती के साथ रहते हैं। और शंकर जी बड़े वृक्त महावैष्णव है, और महावैष्णव में एक भगवत गीता में भगवान अपने भक्तों के लक्षणों में कहते हैं, अनिकेत निकेत भक्तिमान में प्रिय, और शंकर जी का एक नाम है अनिकेत, और अनिकेत का अर्थ है जिसने घर अपना कभी नहीं बनाया। निकेतन कहते हैं घर को, और अनिकेत कहते हैं जिसका घर नहीं है। शंकर जी ने घर आज तक नहीं बनाया। पार्वती ने कहा कि घर बना लीजिए, अब तो गृहस्थ में आए हैं तो घर तो गृहस्थ के लिए होना चाहिए, बरसात की ऋतु में कहाँ जाएंगे। बोला बादल से बरसात आती है, हम ऊपर चले जाएंगे, ऊपर तो बरसात नहीं आएगी। बोला नहीं तो घर तो बनाना ही चाहिए, तो बना लेते हैं। घर बनाया, ऋषियों को बुलाया कि गृह प्रवेश करना है, उन्होंने पूजा किया, बोला महाराज दक्षिणा दो, शंकर जी आपके घर में प्रवेश हो रहा है, दक्षिणा। बोला दक्षिणा हमारे पास कुछ है नहीं। बोला फिर, बोला घर दक्षिणा में ले लो। और घर ही दक्षिणा में दे दिया, और फिर जाके पर्वत के ऊपर बैठ गए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं गृहस्थियों के लिए बहुत अद्भुत शिक्षा है शंकर भगवान की। बोला कैसे, बोले शंकर जी का वाहन क्या है, नंदी बेल, पार्वती का वाहन क्या है, शेर। घर में पार्किंग कैसे करेंगे, शेर खा जाएगा कि नहीं, वहाँ शेर तो खा। अब गणेश जी आएंगे, किसके ऊपर चढ़ के आएंगे, और शंकर जी के गले में क्या पड़ा है, सांप, तो सांप चूहे को खाएगा कि नहीं, तो गणेश जी बेचारे कहाँ रोकेंगे। और दूसरे स्कंद पुत्र अंदर आएंगे, किसके ऊपर चढ़ के आएंगे, मोर के, और शंकर जी के गले में वो सांप है, वो भाग जाएगा। हाँ, तो घर के अंदर एक दूसरे के सब विरोधी हैं। शंकर जी कहता है गृहस्थ में सबका हाल ऐसा है, अगर भगवान का नाम लोगे तो शांत रहोगे, नहीं तो घर में झगड़ा होता ही रहेगा। इसलिए शंकर जी समाधि में सदा रहते हैं, नहीं तो हरि कथा करते हैं, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। या तो हरि कथा करो, नहीं तो हरि का स्मरण करो। ये दोनों ना ही करोगे काम तो घर में हमेशा जब एक दूसरे को खाने वाले बैठे होते हैं। जल चढ़ाते हैं शंकर जी के ऊपर। शंकर जी का नाम एक प्रसिद्ध रूप से तो महादेव, देवों में महान है। ये खीर सागर मंथन के समय सारे देवता तो एक तरफ थे, सांप वासुकी की पूंछ को पकड़ के खड़े थे, सारे असुर मुख की तरफ थे, और जब विष निकला तो भगवान ने कहा
ये कौन सा चौथा मनमंत्र है के खीर सागर मंथन का वन मंत्र छठा है कौन अजीत भगवान कौन है भगवान इस वक्त मनमंत्र अवतार अजीत है कौन है मोहिनी अवतार ऐसे अवतार तो इसमें चार चार हैं कच्छप अवतार भी इसके अंदर है मोहिनी भी है अजीत मनवंतर अवतार है धनवंतरी इसमें अवतार है जो ले आया अमृत लेके आया हजार हाथों से ऊपर से पर्वत को भगवान ने पकड़ा नीचे से कच्छप अवतार बने तो इसमें तो भगवान ने चार पांच पांच अवतारों के माध्यम से ये कार्य संपन्न कराया है। सो जब विष निकला तो भगवान ने कहा कि अब शंकर महादेव को आवाहन कीजिए कि वो आके विष को पान करें। बाकी सब देवता थे शंकर जी उसमें नहीं थे इसका मतलब तो शंकर जी को बुलाया गया। शंकर जी पार्वती से पूछा ये भी शंकर जी से बहुत सीखने की बात है कोई ऐसा विष पीने जैसा काम कराना तो पत्नी से कम पूछ के जाना चाहिए। अभी विष पान तो नहीं करते हैं आज के लोग तो शराब पान करते हैं तो पत्नी से पूछ के जाएंगे तो डंडे खाएंगे। शराब का मतलब है सड़ा हुआ पानी सड़ा हुआ पानी आपका मतलब पानी और सड़ा का मतलब सड़ा हुआ जो सड़ गया है पानी। तो पार्वती ने कहा कि आप परोपकार के कार्य करने के लिए जरूर जाइए। शंकर जी ने आके विष पान कर लिया अपने दोनों अंजलियों में भर लिया और विष को पान किया। अब मुख में तो शंकर जी विष को रख नहीं सकते क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण चलता रहता है। जीवा से तो हर समय गोविंद यहां लिखा है महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम में ये श्लोक सबसे बड़ा अद्भुत है। बोलिए श्री राम गोविंद मुकंद शौरे श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा इति आदि नामामृत पान मत्ता आमरा मता भृंगादि परयखिल दुख अंतरे परयखिल दुख अंतरे। शंकर जी महाप्रभु कहते हैं नाम गान करते हैं गोविंद मुकंद शौर्य शौर्य का मतलब भगवान श्री कृष्ण जो यदुवंश में प्रकट हुए श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नामामृत पान मत्त आनंद में मगन रहते हैं भृंग आदि प्रियंक अखिल दुख हांतरे। जैसे भृंग का मतलब भौंरा जैसे मधु को पी जो जो प्राग होती है कमल की उसी को पीना चाहता है ऐसे ये नामों के रस का आनंद लेते हैं भृंग की तरह और दुख हांतरी और सबके दुखों का हरण करने वाले हैं ऐसे भगवान शंकर की महिमा है। तो जबान से तो भगवान का नाम चल रहा है तो जबान में रख नहीं सकते और अंदर ले नहीं जाएंगे क्योंकि वहां तो भगवान बैठे हैं हृदय में सदा भगवान का ध्यान करते हैं तो कंठ में रख दिया तो नाम हो गया नीलकंठ महादेव की। अब नाम नीलकंठ हो गया तो इतना सारा विष यहां गर्मी कर रहा था सब देवताओं ने कहा लाओ पानी इसके ऊपर ठंडा करते तो विष के प्रभाव को ठंडा करने के लिए पानी डाला और अभी तक पानी डाल रहे हैं लोग अभी तक जल चढ़ा रहे हैं। मैं तो मुझे ऐसे याद आया कि जब फोन बनाया था ग्राम बेल ने बनाया किसने बनाया था फोन ग्राम बेल का जैसे फोन तैयार हो गया तो उसने पहले अपनी पत्नी को फोन किया उसकी पत्नी का नाम था हेलो तो उसने कहा हेलो तो उसकी पत्नी का भाई कहा हस्बैंड माय डार्लिंग जो भी कुछ कहा होगा और ग्राम बेल मर गया अभी भी हम उसकी पत्नी की जान नहीं छोड़े हेलो अरे वो मर गई हेलो कब की चली गई ये ग्राम बेल की पत्नी का नाम था उसने अपनी पत्नी को फोन किया और हम अभी तक उसके पीछे पड़े हुए अरे हरि बोल बोलो छोड़ो हेलो को लोगों को समझाओ कि हरी बोल बोलो हेलो से काम नहीं चलेगा हेलो चली गई। तो शंकर जी के जलपान ऐसे कर लिया। इसके ऊपर बात याद आती है हमको एक जंगल में मंदिर था शंकर जी का और किसी का मनोकामना पूरी हुई तो एक बहुत बड़ा पीतल का घंटा चढ़ा के गया तो मंदिर में सब लोग भगवान का दर्शन करने
आए ये संभव नहीं है, कुछ जूते चुराने भी आते हैं। हाँ, हनुमान के मंदिर देखे कुछ अंग, हनुमान के बंदर देखे कुछ अंग्रेज कलंदर देखे, दया और धर्म के मंदिर देखे कुछ पापी उनके अंदर देखे। मंदिरों के दया धर्म के मंदिर है लेकिन पापी उसके अंदर है। सो एक व्यक्ति ने कहा ये घंटा देख तो कोई नहीं रहा है, उतार के बेच दूंगा तो 500 रुपया मिल जाएगा। घंटा था ऊपर, चढ़ने के लिए कोई चीज नहीं थी, शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, लिंग तो ऊपर था ना, चढ़ गया ऊपर। अब उसने कहा अभी लेंगे क्या करेगा, घंटा उतार के बेच दूंगा। तब तक शंकर जी प्रकट हो गए। ये बेचारा थर थर कांपने लगा, हे भोलेनाथ कृपा करो गलती हो गई। नहीं नहीं बोला, नहीं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग लो क्या चाहिए। बोला क्षमा करो गलती हो गई, मैं तो घंटा चुराने के लिए आया था, आप दयालु हो, आप बड़े आशुतोष हो, मुझे कुछ करो मत, त्रिशूल आपका थोड़ा हटा दो यहां से, थोड़ा सा डर लग रहा है। कहते नहीं मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूं, तुम वर मांग लो। तो बेचारा हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा, बोला आज तक लोग कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, तुमने अपने आप को ऊपर चढ़ा दिया। अपने आप को ही ऊपर चढ़ा दिया, भाई तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये दीनबंधु जी एक हमारे प्रिय बताते हैं कथा, शंकर जी नंदगांव में आए जब कृष्ण बालक थे, तो डमरू बजा के कह रहे थे, यशोदा मैया के दरवाजे पे आ गए। यशोदा मैया ने कहा बाबा क्या चाहिए, रोटी चाहिए, मक्खन चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए। बोलो नहीं आपके बेटे का दर्शन करना है। बोला मेरा बेटा डर जाएगा आपको देखकर, ऐसे बालों में मकड़ी के जाले, गले में सांप, नहीं बाबा। तो नंदगांव से 1 किलोमीटर दूर जाके आशुतोष वन में बैठ गए शंकर जी, और श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। सबने कहा क्या हो गया, चुप कराओ बच्चे को, क्या हो गया। तो बहुत स्त्रियां इकट्ठी हो गई, बड़ी स्त्रियां आ गई, कहा कि अरे कोई आया, नजर लगी बच्चे को। बोला नहीं घर में तो घर वाले आया है, उपनंद आया था, उपेर भी आई, ये आया वो आया। बोला और कोई, बोला एक 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 स्वामी आया जटाओं वाला, बोला उसको बुलाओ। अब गोपियां ढूंढती ढूंढती आशुतोष वन में गई, भगवान तो शंकर जी समाधि लगा के कृष्ण का चिंतन कर रहे थे। तो गोपियां कहने लगी चल रे बाबा नंद भवन में, यशोदा मैया तुम्हें बुलाए। बोला करना क्या है। बोला वहां के लाला को नजर लगी तो से तोपे रोई राई लून कराए, उसके बेटे को नजर लगी है, तुम राई और नमक उसके ऊपर से घोल के फेंक दो, चलो। शंकर जी आ गए। जैसे शंकर जी घर में प्रवेश किया, कृष्ण ने रोना बंद कर दिया। तो बोला आप जाओ बाबा, तो जैसे बाहर जाए फिर रोना शुरू कर दे। बड़ा मजा ले रहे हैं भगवान। अरे भाई ये रोना बंद कैसे करेगा, शंकर जी बोले इसका चरण मेरे सर के ऊपर मस्तक पे धारण करो तो ये बच्चा रोना बंद कर। यशोदा बोले इतना सांप बैठा है, बच्चे का चरण कैसे लाएगा, ना ना ना। सब गोपियां बोलती है हाँ हाँ हाँ, और कृष्ण का चरण पकड़ के ऐसे जैसे लगाया, कृष्ण नाचने लगे बहुत बड़े आनंद में। कृष्ण का नाम है नटवर, बिरहा पीड़म नटवर वपु नटवर, और शंकर जी का नाम है नटराज। नटराज का मतलब है नाचने वालों में राजा, लेकिन कृष्ण नटवर है इसका मतलब राजा भी जिसका वरण करे। वर का मतलब है पति। तो भगवान महारास कर रहे थे, सुंदर बांसुरी जब बजा रहे थे, कैलाश में शंकर ने बांसुरी का जैसे ध्वनि सुनी, तो शंकर जी आसुरी ऋषि को साथ में लेके, पार्वती को साथ में लेके, नंदी को साथ में लेके आ गए बंसी बट पे। पार्वती तो स्त्री थी, वो तो चली गई, लेकिन शंकर जी को ललिता ने कहा अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि अंदर तो केवल गोपी जा सकती है। बोला कि गोपी कैसे बनना है। बोला ये मानसरोवर है, इसमें स्नान कर लो। शंकर जी ने स्नान किया, गोपी बन गए, अंदर रास में प्रवेश किया, राधा कृष्ण को रास में देखा, बड़ा आनंद लिया, और भगवान श्री कृष्ण घूमते कहे महाराज गोपेश्वर आपका स्वागत है। तो राधा रानी कहते ये क्या कह रहे हैं, ये तो गोपी ऐसी हमने कभी देखी नहीं। बोला ये सामान्य गोपी नहीं है, ये गोपेश्वर है।
तो वो गोपी बन के कृष्ण के रास का दर्शन करने के लिए शंकर जी गोपी बने, तो ना भगवान का वरण करने के लिए, इसलिए भगवान नटवर है, शंकर नटराज और कृष्ण नटवर। तो वहां शंकर जी ने को चरण जैसे लगाया श्री कृष्ण का, बच्चा श्री कृष्ण तो आनंद में मगन हो गया। अब शंकर जी को यशोदा के रह रे बाबा नंद भवन में यही रह जाओ। बोला क्या करूं? बोला जब जब मेरा लाला राय तब तब दर्शन दो, बच्चा रोए तो दर्शन देने आ जाना, जैसे खिलौना हो कोई। भगवान को तो शंकर जी ने कहा ऐसे तो नहीं बैठूंगा, अब मेरी बारी है, मेरे दो शर्त हैं, अहित की भक्ति मेरे को नहीं आती है, भगवान कृष्ण के सेवा करने के लिए दो मेरे शर्त है। बोला बोलो क्या करना है बाबा? बोला इसका स्नान कराने के बाद पहले चरणामृत मेरे ऊपर चढ़ाना, इसको भोग लगाने के बाद पहले महाप्रसाद मेरे को देना। बोला हाँ ये कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं। आज भी नंद गांव में नंदेश्वर महादेव है, अंदर से भगवान का जैसे अभिषेक होता है जल उसके ऊपर चढ़ता है, भगवान का भोग लगता है, पहले प्रसाद नंदेश्वर महादेव को मिलता है। और वैसे भी ब्रज में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों पर्वत के रूप में भगवान का लीला का दर्शन कर रहे हैं, और नंद गांव में नंदेश्वर महादेव नंदी के रूप में, ये पूरा पर्वत ही शंकर जी बन के खड़े हो गए हैं, और बरसाने में तो ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में चतुर्मुख होके खड़े हो गए हैं, और गोवर्धन तो साक्षात विष्णु का स्वरूप ही भक्तों के लिए है, हरिदास वर्य गोपियों के लिए है, गोपियां उसको हरिदास वर्य करके मानती है, लेकिन भक्त हम तो साक्षात विष्णु का स्वरूप करके मानते हैं गोवर्धन को, दोनों के मान्यता में ये अंतर है। तो ये तो बाल लीलाओं में शंकर जी का प्रवेश। अब भागवत में शंकर जी की हम इसको विषय लेते हैं शिक्षाएं, शंकर जी की शिक्षाएं चौथे स्कंद के 7 अध्यायों में दक्ष यज्ञ का वर्णन है। सबने सुनी है दक्ष यज्ञ की कथा, तो सुनी है, संभवतः पहला यज्ञ प्रयागराज में हुआ था, सारे देवता यज्ञ में बैठे थे, ब्रह्मा जी शंकर जी बैठे थे, इंद्र आदि देवता बैठे थे, दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र अध्यक्षता उसमें आया, सब उसके सम्मान में उठ के खड़े हुए, ब्रह्मा जी पिता थे नहीं उठे, और शंकर जी समाधि में थे, उनको कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं, और कोई काम करते भी नहीं। तो दक्ष को बहुत क्रोध आया, उसने कहा कि इसको कौन भी अपनी पुत्री दे देता, भस्म लगाता है, शमशान में रहता है, घर बनाता नहीं है, कहाँ हमको विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा मैंने अपनी पुत्री सतीश को विवाह दी। शंकर जी चुप रहे, कुछ मुख से नहीं बोले, इतना बड़ा उन्होंने अपराधजनक शब्द भी कहे, अपमानिक बातें भी की, लेकिन वो चुप रहे। शंकर जी के गणों ने शराप दिया और दक्ष ने उनको शराप दिया, लेकिन शंकर जी चुपचाप रहे। ये एक वैष्णव का बहुत बड़ी शिक्षा है कि समाज में कोई लोग बुरा कहेंगे कोई भला कहेंगे, इन दोनों को सुनना चाहिए चुप रहकर, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। शंकर जी वापस कैलाश गए, लेकिन सती को यह समाचार नहीं सुनाया कि आपके पिताजी ने मुझसे ऐसा व्यवहार किया। ये शंकर जी की पहली शिक्षा गृहस्थों को, ससुराल से झगड़ा हो पत्नी को कभी नहीं बताना, क्योंकि पत्नी तो अपने भाई की और अपने पिता की बात को ही अच्छा मानेगी, इसलिए उधर बताना ही नहीं। शंकर जी ने ये बहुत अच्छा काम किया। अब सती ने एक दिन आकाश मार्ग से विमान में ऋषि पत्नियों को ऋषियों के साथ और देवताओं को अप्सराओं के साथ पत्नियों के साथ जाते देखा, तो सती कही बहन कहाँ जा रही हो? ये है स्त्रियों का स्वभाव, कहीं से कोई ना बात जाए सब बाहर खड़े होकर कहेंगी बहन कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा हाँ हम जा रहे हैं दक्ष के विवाह, दक्ष के यज्ञ में, ये दूसरा यज्ञ दक्ष ने किया कनखल में हरिद्वार में, और ये यज्ञ इसलिए किया कि कोई यज्ञ कर नहीं रहा था, क्योंकि यज्ञ में शंकर जी का भाग बंद कर दिया, तो क्या मैं करता हूं, शंकर को नहीं बुलाऊं क्या करेगा? तो सती ने वापस आके कहा शंकर को, हे दक्ष के जामाता, आपके ससुर के घर में यज्ञ चल रहा है, चले ना? शंकर जी ने कहा निमंत्रण तो नहीं आया। तो सती ने बहुत
शास्त्र प्रमाण से कहा कि गुरु के घर में, पिता के घर में, मंदिर में कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है, जा सकते। शंकर जी ने कहा आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जानबूझ के कोई निमंत्रण न दे, वहां जाने से अपमान होगा और अपमान मृत्यु से ज्यादा भयानक होता है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। अब सती ने कहा मेरी बहनें आएंगी, उसका सारा परिवार आएगा, मुझे उनसे मिलना है। और शंकर जी ने कह दिया नहीं जाना है, तो पार्वती की आंखें लाल हो गई और शंकर को भस्म कर दी, सती की अब आंखें लाल हो गई और शंकर जी को ऐसे घूर घूर के देखने लगी। ये एक और शिक्षा शंकर जी कहते हैं, पत्नी को मायके जाने से रोकोगे तो जला देगी, उसको कभी नहीं मायके जाने से रोकना चाहिए। मना कर दी तो पार्वती गुस्से हो गई, शंकर जी ने कहा इतना ये क्रोध करेगी अब जिएगी नहीं, मरेगी जरूर, मरना ही है तो अपने बाप के घर में मरे, मेरे घर में क्यों भाई, ये मेरे घर में क्यों बला पड़े। तो शंकर जी ने ऐसा क्यों सोचा, शंकर जी ने भगवत गीता पढ़ी हुई थी कि अंत समय जिसका ध्यान करते हुए मरेगी वहीं जाएगी, यहां मरेगी तो दक्ष का ध्यान करेगी उधर जाएगी, फिर वहां मरेगी मेरा ध्यान करेगी मेरे पास आएगी। तो शंकर जी ने तो शास्त्र के नियम से कहा कि भले उधर जाए। एक बार नारद जी पार्वती को मिला, कहा पार्वती शंकर आपसे प्रेम करता है। बोला अति प्रेम करता है, यहां तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है गौरी नयन उत्सव, गौरी के नयनों का उत्सव है, मतलब आंखों से शंकर को ही देखने में आनंद लेती है। तो नारद जी कहता है फिर आप उससे पूछना कि गले में मुंडियों की माला पहनते हैं ये किसके हैं मुंडियां हैं, ये जो गले में खोपड़ियां पहन के बैठे हैं ये किसकी है? बताएगा नहीं, लेकिन आप स्त्री हट कर वो त्रिया हट करना जरूर, और अगर बता देना तो उसको बोलना मुझे अमर बना दो। शंकर जी घर में आए, पार्वती ने कहा महादेव प्रिय आप तो मुझसे प्रेम करते हैं। बोला आप अति प्रिय हो मुझे देवी, अच्छा तो ये गले में खोपड़ियां किसकी मुंडियां डाली हैं? अरे बोला ये मत पूछो पार्वती, बोला आज तो बताना पड़ेगा। बोला नहीं मत पूछो, नत मत पूछो। बोला नहीं बताना पड़ेगा, ये शंकर जी का नारद आया था क्या, इतना जिद कर रही है, ऐसे कभी हुआ नहीं हमारे परिवार घर में। बोला कुछ भी है बताओ। बोला तो फिर सुनो ये सब तेरी खोपड़ियां हैं, ये आखिरी ताजी खोपड़ी है ना, ये सती वाली खोपड़ी है, ये अभी दक्ष यज्ञ में जब समाप्त हुई वो खोपड़ी बांधी हुई है, ये तुम्हारे सारे गले में खोपड़ियां है। बोला अब मेरी खोपड़ी नहीं देने दो, मेरे को अमर बना दो, मुझे अमर बना दो, अब मेरी खोपड़ी नहीं, अब मैं सदा जीती रहूं, अमर बनाओ। बोला चलो अमरनाथ, चले गए अमरनाथ। शंकर जी ने तांडव नृत्य किया कि यहां कोई जीव न बचना चाहिए, क्योंकि ये मैं अमर बनाने की कथा बताने जा रहा हूं, और कोई अमर हो गया तो काम चलेगा नहीं, और सब जीव वहां से चले गए। पार्वती को कहा अब आप कथा सुनो, और भागवत कथा सुनाने लगे, ये अमर कथा है, भागवत की कथा सुना रहे थे। और बोला तुम हां करती रहना, और पार्वती हां कर रही थी। पांचवां स्कंद आया, और जब खगोल भूगोल आया तो पार्वती को नींद आ गई, वो तो स्कंद ही ऐसा है उसको सुनते सुनते नींद आ जाती है, पांचवें स्कंद को पढ़ने में नींद आती है। उधर एक अंडा पड़ा था, उस अंडे के अंदर से एक तोता निकला, और वो तोता उआ उआ कर रहा था। तो शंकर जी ने कहा पार्वती जा कर ये थोड़ी देर के बाद, पार्वती तो समाधि में चली गई, ये कौन कर रहा है? शंकर जी ने कहा ये अमर हो जाएगा, त्रिशूल लेके उसके पीछे भागे, वो सुखदेव जी महाराज हैं, और वहां से सीधे वाटिका व्यासदेव की पत्नी के मुख के अंदर से उसके उधर में चले गए। तो सुखदेव शंकर जी से भी भागवत सुन के आए हैं, व्यासदेव से तो अध्ययन किया है। तो यहाँ बात जब शंकर जी की आती है तो भागवत में ये कथा तो पूरी करें। शंकर जी सती चली गई, और वहां जाके सती ने अपने पति का अपमान देखा, सह नहीं सकी और शरीर छोड़ दिया। रामायण के अंतर्गत राम और लक्ष्मण जब सीता का खोज कर रहे थे तो सती थी, उस वक्त में पार्वती नहीं थी, सती थी शंकर जी के साथ बैठी हुई। शंकर जी ने ऊपर से राम जी को प्रणाम किया,
तो सती ने कहा इसको प्रणाम कर रहे हो? बोला ये आराध्य देव हमारे साक्षात भगवान नारायण हैं, ये तो राम जी हैं। बोला राम जी हैं तो पत्नी के वियोग में रो क्यों रही है? पत्नी इसको दिखाई नहीं, तो पता नहीं लगता है कहां गई है। शंकर जी मुस्कुराए के सब जानते हैं उनकी लीला है, लेकिन सती को परीक्षा लेने का मन में आ गया। सती सीता का रूप धारण करके राम जी के सामने चली गई। राम जी ने प्रणाम करके कहा माता गौरी, माता सती, भोलेनाथ कहाँ है? बेचारी सती को तो इतनी लज्जा आई, पानी पानी हो गई। वो फिर वापस वहां से नमस्कार करके लौट आई। शंकर जी ने कहाँ गई थी? बोला कहीं नहीं। शंकर जी ने ध्यान करके देखा कि ये तो मेरे आराध्य राम की सीता का रूप धारण कर लिया, अब इसका ज्यादा शरीर रखना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे आराध्य का रूप धारण कर लिया तो अब इसको पत्नी के रूप में रखना ठीक नहीं। तब से सती का तो शरीर छोड़ने का ये योजना तो पहले से ही बन गई थी। तो सती ने वहां जाके जब शंकर जी का नहीं देखा भाग यज्ञ में, तो सती ने कहा कि शंकर महादेव जिसकी सब आराधना करते हैं उसका भाग न रख के आपने बड़ा उनका अनादर किया है, और मैं वापस यहां से जाऊंगी तो लोग, तुम शंकर जी मुझे कहेगा दक्षायणी, तुम दक्ष की पुत्री हो, मुझे बड़ी लज्जा आएगी, आपसे दिया हुआ शरीर में रखना नहीं चाहती हूं, और ऐसे बैठ के योग अग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। शंकर जी के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, भृगुवंशों ने ऋभु देवताओं को पैदा किया और उन्होंने जाके खदेड़ दिया शंकर जी के गणों को। शंकर जी गण बेचारे दुखी होकर चले गए कैलाश में। नारद जी घूमता हुआ शंकर जी के पास आए, कहा भोलेनाथ अकेले बैठे हो, सती कहाँ है? बोला दक्ष के यज्ञ में गई है। बोला गई नहीं, गई। बोला केवल सती शरीर त्याग के नहीं गई, आपके गणों का भी बहुत बड़ा निरादर हुआ है। शंकर जी ने एक झटका दे के सरे जटा से बाल निकाला, वीरभद्र पैदा हुआ। बोला क्या करूं? बोला दक्ष यज्ञ में जाके दंडित करो। वीरभद्र ने जाते ही दक्ष का गर्दन काट दिया, और गर्दन काट के दक्षिण अग्नि में स्वाहा कर दिया। भृगु की दाढ़ी को खींच के निकाल दिया, अभग की आंख और पूछा के दांत, और किसी का टांग पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा। सारे देवता बेचारे सब हाथ पांव बंधा हुआ गए। ब्रह्मा जी पिता अब मैं देखो हमारा हाल क्या। ब्रह्मा जी ने कार्ड दिखाया, बोला यज्ञ का निमंत्रण मेरे को भी आया, जहां झगड़ा हो वहां नहीं जाना चाहिए। कहां चले गए थे तुम लोग? इतना भी तुमको पता नहीं है? शंकर जी को बुलाया नहीं है, मैं गया नहीं हूं, तुम गाय के लिए भागे भागे वहां गए। अब यह हाल नहीं होगा तो और क्या होगा? नहीं नहीं, आप ब्रह्मा जी कृपा करो। बोल फिर शंकर जी को चलो, उनको मनाने आना पड़ेगा, चलते हैं। अब शंकर जी के पास ब्रह्मा जी गया, तो शंकर जी ज्ञान मुद्रा में शंकर अशनक आदि ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सब देवतों ने प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने कहा हे महादेव, ये देवता आपसे क्षमा याचना मांगने आए हैं, और आप चलिए दक्ष के यज्ञ को पूरा कीजिए। शंकर ने कहा चलो। शंकर जी ने ये भी नहीं कहा कि मेरी पत्नी की हत्या हो गई, मेरे गणों का साथ अपमान किया। ये शंकर जी की सबसे बड़ी वैष्णवों को शिक्षा है, चार अच्छे आदमी मनाने के लिए आए तो पुरानी सारी बातों को भूल के सेवा के काम में लग जाना चाहिए। शंकर जी ने कुछ नहीं कहा और चले, और वहां पहुंचे तो बोला ये आपके ससुर को जीवित करो। बोला लाओ सर कहाँ है इसका? बोला सर तो दक्षिणाग्नि में डाल दिया। बोला अब वो दंड किसको डालना था? बोला बकरे के डालना था। बोला लाओ बकरे को। बोला क्या करेंगे? बोला हम सर लगाएंगे ना, इसमें क्या, बकरे का सर सिर के ऊपर चपका देंगे, हेड सर्जरी हमको करना आती है, हम हाथी का लगा सकते हैं, ये तो बकरे का है। इसमें कौन सा काम है, बड़ा काम है। वो बकरे का सर लगा दिया। बोला भृगु जी की दाढ़ी, बोला देखो ससुराल की तरफ वाला है, बकरे के बाल दो चार यहां चपका दो, चपक जाएंगे। तो शंकर जी का अभी मेरे को रुद्र संप्रदाय, शंकर जी ने भागवत के चौथे स्कंद में प्रचेताओं को रुद्र गीत सुना के, और वहां एक बड़ा सुंदर श्लोक है, शंकर जी कहते हैं जो भगवान वासुदेव के भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है, वो मुझे अति प्रिय है जो वासुदेव के भक्त है, और आप इस मेरे रुद्र गीत का पाठ करोगे तो आपको भगवान का दर्शन होगा, भगवान की आशीर्वाद मिलेगी, और जो भी इसको पढ़ेगा उसको भगवान की प्राप्ति होगी। कोई कथा आ रही थी शंकर जी की, मन में शंकर जी की महिमा का
ये श्लोक भी पढ़ने का कहा था तो इसको पढ़ लेते हैं। पहले श्लोक को पढ़ते हैं। नमो नमस्ते त्रयी दोषेश त्रयी दोषे वरयः भूतादिनाथाय मृदये नित्यम्। नमो नमस्ते त्रिदशे दश त्रयी दशे वराय, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शंकर जी को नमस्कार कर, जहाँ जहाँ चेतना महाप्रभु गए, जहाँ जहाँ भगवान शिव शंकर शिवालय थे, ज्योतिर्लिंग, वहाँ सब जगह गए और इस अष्टक का पाठ किया। ये अष्टक मुरारी गुप्ता के किताब से मिला है और इसको मेरे ख्याल में 2009 के बैक टू गॉडहेड में छपा था। ये अपने बैक टू गॉडहेड में यह अष्टक छपा है। आपने लोगों पढ़ा है, देखा था कभी बैक टू गॉडहेड 2009 का मेरे को ध्यान में आता है, उसमें ये अभी भी पढ़ा है। और कहते हैं त्रयी दश का मतलब मुख्य जो 33 देवता हैं उनके स्वामी हो आप, महादेव हो। हाँ, ये कथा याद आ रही थी महादेव के नाम से। विष तो पी लिया शंकर जी ने, विष पीने के बाद भी महादेव हो गए क्योंकि परोपकार के लिए पिया। और राहु ने अमृत पिया फिर भी क्रूर गिरे हुए क्योंकि धोखे से पिया। धोखे से अमृत पीने वाला भी क्रूर गिरे हुआ और परोपकार के लिए विष पीने वाला महादेव हो गया। ये दोनों में कितना अंतर है। काम किसने कैसा किया लेकिन महान कौन हुआ? विष पीने वाला महान हुआ और अमृत पीने वाला क्रूर हुआ और गर्दन कटवा दिया। और शंकर जी की दूसरी महिमा की कथा भागवत में आती है। शंकर जी का नाम त्रिपुरारी कैसे हुआ, ये 7वें स्कंद में कथा आती है। देवताओं ने, दैत्यों ने जब 3 पुरिया मय दानव से बनाई, सोने चांदी की पुनिया, प्लाटिनम, आकाश मार्ग से आक्रमण करें, देवता बड़े दुखी हो गए। शंकर जी को कहा कि हमारी रक्षा करो। शंकर जी आए, शंकर जी सबको मार दें, असुरों को, असुर फिर जीवित हो जाएं। शंकर जी बहुत बड़े चिंतित हुए, ऐसे कैसे मैं मारता हूं फिर जीवित कैसे हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो बड़ा शंकर जी को परेशान कर रहे हैं। कारण ये है कि उन पुरियों के अंदर अमृत का कुंड है, जो मरता है उसको कुंड में डालते हैं वो जीवित हो जाता है। तो भगवान विष्णु गाय का रूप धारण कर लिया, ब्रह्मा जी को बछड़ा बना लिया और जाके अमृत पी लिया। अब भागवत के असुर भी गाय का इतना ध्यान करते थे कि गाय अमृत पी रही थी, गाय को मारा नहीं। अमृत जब समाप्त हो गया, भगवान ने प्रकट होके शंकर जी को धनुष दिया, बाण दिया, कहा अब आक्रमण कीजिए। और शंकर जी ने 1, 2, 3 पुरियों को जैसे उड़ा दिया तो शंकर जी का नाम हो गया त्रिपुरा अरि। त्रि मतलब 3, पुरियों के अरि मतलब शत्रु, 3 पुरियों को विनाश करने वाले। और शंकर जी का नाम हुआ गंगाधर। गंगाधर नाम कैसे हुआ शंकर जी का, यहां बहुत सुंदर लिखा है, भूताधिनाथाय। आप सारे जीवों के स्वामी हो क्योंकि सृष्टि करने वाला नीचे जो योनी है पार्वती और लिंग है शंकर जी, तो योनी है माता और लिंग है पिता, तो आप भूतों के नाथ हो। मृदाय नित्यम गंगा तरंग, गंगा को अपने सर पे धारण किया। कैसे साधारण किया? 3 पीढ़ियों की तपस्या, अंशुमान, दिलीप और भागीरथ। भागीरथ के प्रार्थना पे गंगा आई, कारण क्या? अंशुमान की प्रार्थना पे नहीं आई, दिलीप की प्रार्थना पे नहीं आई, वो राज करने के बाद चले गए तपस्या करने। लेकिन भागीरथ ने कहा पहले तपस्या करके गंगा लाऊंगा फिर राज करूंगा, पहले तपस्या करने चले गए। गंगा जी प्रकट हो गई, कहा मैं आऊंगी जरूर, आपके पूर्वजों का उद्धार करूंगी, लेकिन मैं आऊंगी तो पाताल में चली जाऊंगी, तुम्हारा काम नहीं बनेगा, मेरा वेग बहुत तेज है। और दूसरा, मेरे को एक बड़ा संदेह है, पापी लोग मुझ में नहाएंगे, मैं पवित्र कैसे होंगी?
ये सुनते ही गंगा चली गई और भागीरथ ने शंकर महादेव की आराधना की और भोलेनाथ ने कहा गंगा को आश्वासन दो, जब धरती पे आएगी तो मैं उसको अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा। और संत महात्मा वैष्णव गणों ने कहा कि गंगा माता को आश्वासन दे दो कि हम जब स्नान करेंगे तेरे सब पाप धो लेंगे। गंगा का फिर आह्वान किया, गंगा जी को कहा शंकर जी आपको जटाओं में धारण करेंगे। गंगा जी नीचे उतरी और शंकर जी के जटाओं में आ गई और शंकर जी के जटाओं में गंगा थोड़ी देर के लिए लुप्त हो गई और शंकर जी का नाम हो गया गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला। और यहां लिखा है गंगा तरंग उथित बाल चंद्र, भाल के ऊपर चंद्र, यहां भगवान शंकर जी के भाल के ऊपर चंद्र है, चंद्रमा को भाल के ऊपर रखते हैं। भाल चंद्र चूड़ाय गौरी नयन उत्सव, चूड़ा का मतलब ऊपर चोटी बांधते हैं, उसके ऊपर चांद, चांद ऐसे अर्ध चांद ऊपर रखा हुआ है। और फिर महाप्रभु जी कहते हैं सुतप्त चमिकार चंद्र नील पदम पवलंबूत कांति वस्त्र, आपके वस्त्र कैसे हैं, वैसे वागंबराय कहते हैं, वागंबराय का बाघ का वस्त्र है तो उसके अंदर कितने रंग है, नील कमल जैसा रंग है, पिघले हुए सोने जैसा रंग है, कमल जैसा रंग है, इस कांति का वस्त्र आप पहनते हैं। सनृत्य रंगेष्ट वर पदाया, आप बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। रंगेश अपने भक्तों को वर देते हैं, वो जो इंद्रधनुष होता है ऐसे आपके वस्त्रों का रंग है। आप आनंदमय नृत्य करते हैं और फिर कहते हैं केवलाय केवल यो नाथाय, ये जो ब्रह्मलीन होने चाहते हैं इनके आप स्वामी हैं, ये ज्ञानी लोग हैं ना, शंकर जी का उपासक होते हैं, इनके आप नाथ हैं। एक जगह मैं लिखा था शिव का अर्थ क्या है, शुभ, शिव का अर्थ क्या है, शुभ, और लिखा ऐसे था क्योंकि जो अशुभ है होते हैं वो जब शंकर जी के पास होते हैं तो शुभ हो जाते हैं, जो तमोगुण में होते हैं वो रजो में चले जाते हैं, रजो में होते हैं वो सतो में चले जाते हैं, ऐसे वो शुभ हो जाते हैं, तो अशुभ को शुभ करने वाला। हमारे पुराणों को तीन में विभाजित किया है, सतोगुण प्रधान प्रणाम पुराण जिसमें भगवान विष्णु की आराधना है, रजोगुण प्रधान पुराण जिसमें ब्रह्मा जी की आराधना है, तमोगुण प्रधान पुराण उसमें शंकर जी की आराधना है। ये तीनों गुण अवतार हैं, ये कोई तमोगुण में शंकर जी नहीं है। यहां लिखा है प्रकृति का प्रभाव शंकर जी के ऊपर नहीं पड़ता, उससे परे है। केवल नाथाय वृषध्वजाय, वृषभध्वजाय, अर्जुन का नाम क्या है, कपिध्वज, और भगवान विष्णु का नाम ध्वजा का गरुड़ ध्वज, और शंकर जी वृषभ ध्वजा है। मंदिर के बाहर ऊपर लगे हुए ध्वजा से पता लगता है कि किसका मंदिर है, ये पता लगता है। तो वृंदावन में एक द्विवेदी जी संस्कृत आचार्य थे, बड़े राजऋषि जैसे ऋषि थे, उनसे छात्रों ने पूछा कि शंकर जी तो हो गए वृषभ ध्वजा है, गरुड़ ध्वजा है, विष्णु हो गए, ये जो एंटीना घरों में लगी हुई है ये कौन सी ध्वजा, बोला कली ध्वजा, घरों के ऊपर जो टीवी की एंटीना है ये कली ध्वजा, जहां लगी हुई समझो यहां कलयुग रहता है, ये कली ध्वजा है, तो सारा नगर तो कली ध्वजा है, मुश्किल से कोई विष्णु ध्वजा है, कहीं चक्कर दिखता है ऊपर, नहीं तो त्रिशूल दिखेगा ऊपर शंकर जी के, और ध्वजा में चिन्ह में त्रिशूल होगा और ध्वजा में वो होगा, तो कली ध्वजा है, कली ध्वजा है नहीं वृषभ ध्वजा है, शंकर जी है कली ध्वजा है, सारा संसार है। सुदामसो सूर्य अग्नि विलोचने न तमो भिद्दे ते जगत शिवाय, जगत का कल्याण करने वाले आपकी तीनों आंख है, चंद्रमा सूर्य और अग्नि की तरह है। ये लीला तो सुनी है,
कि शंकर जी तपस्या में बैठे हुए थे, देवताओं को बहुत बड़ी परेशानी हुई कि असुर आक्रमण कर रहे हैं, और ये कहा गया कि शंकर जी का पुत्र ही देवताओं का सेनापति बनेगा, तभी देवता विजयी होंगे। तो लेकिन समाधि से शंकर जी उठे तब ना, तो कामदेव को कहा कि आप जाके शंकर जी को विचलित करो। कामदेव ने 5 पुष्पों के बाण उठाए, 6 ऋतुओं को साथ में लिया और शंकर जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए विचलित किया। शंकर जी का 3रा नेत्र खुला और कामदेव का शरीर भस्म हो गया, उसका नाम अनंग हो गया, अंग समाप्त हो गए। लेकिन फिर कार्तिक के जन्म हुआ और कार्तिक के सेनापति बने, तब देवताओं का कार्य हुआ। ये अनंग बिना शरीर वाला कामदेव श्री कृष्ण के पास आ गया, कब, जब वो बांसुरी बजा रहे थे। कहा कृष्ण ने कैसे पधारे, बोला आपसे युद्ध करने की इच्छा है। कैसे युद्ध करोगे, कौन सा युद्ध करोगे, किले में या मैदान में? बोला दोनों में अंतर क्या है? बोला किले का युद्ध है कि मैं समाधि में बैठता हूं, तुम मुझको उठाओ। बोला ऐसे बड़े ऋषियों की समाधि तोड़ दी, शंकर जी की समाधि तोड़ी, मेरा शरीर चला गया, नहीं मैदान का युद्ध करना है। बोला वो कैसे होता है? बोला मैं रास करता हूं, तुम आक्रमण करो। बोला ठीक है, तुम अपने बाण तैयार करो, मैं बांसुरी बजाता हूं। भगवान ने बांसुरी अधरों पे पधराई, अभी बजाई नहीं और उसने निशाना लिया ऐसे, और आंख आधी खुली खुली गिर गया, मूर्छित हो गया। भगवान ने बोला अभी तो बाजे ही नहीं बजे, उससे पहले मूर्ख मूर्छित हो गया। ए बच्चा तुम जाओ। बोला बच्चा क्यों? बोला तेरा शरीर शंकर ने भस्म हुआ, और मेरे पास जब रुक्मणी के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न बन के आओगे तब तुम्हारा शरीर तुमको वापस मिलेगा, तुम तो वहां बच्चे हो। लेकिन यहां से भागा कामदेव, यहां से भागा, कहां चला गया? गोपियों के हृदय में बैठ गया, और गोपियां भागती हुई काम के भावना से कृष्ण के पास आई। कृष्ण कहा आई, चांद को देख लिया, यमुना को देख लिया, जाओ जाओ जाओ, रात को कहां जंगल में रहोगी, गजा के पति की सेवा करो। ऐसा विरह कृष्ण ने गोपियों को दिया, अंदर ऐसी आग लगी, कामदेव बेचारा जलने लगा और भाग गया वहां से। ऐसा कृष्ण ने क्यों 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 किया? इसलिए किया कि विरह अग्नि में कामदेव बेचारा भाग जाए। इसलिए कहते हैं भगवान की रास लीला काम के ऊपर विजय प्राप्त है, हृदय के काम रोग का चिकित्सा है। गोपियों की भगवान ने चिकित्सा कर दी और कामदेव बेचारा यहां से चला गया। तो यहां लिखा है सूर्य चंद्रमा और अग्नि जिसके नेत्र है, हाँ, और फिर आगे क्या लिखा है, तमो भेद्य अंधकार को नाश करते हैं, ते जगत शिवाय जगत का कल्याण करते हैं, सहस्र शुभांशु सहस्र रसमी सहस्र संजित त्वा तेजस्तो। आपकी शक्ति हजारों हजारों चंद्र सूर्य के प्रकाश को कम करती है, ऐसे शंकर। नागेश रत्न उज्ज्वल विग्रहाय, समय पूरा हुआ, नागेश नागों के जो ईश्वर है कौन, शेष, उसकी मणि आपको दी है, उसको आपने धारण किया है अपने आभूषण के रूप में। नागेश रत्न उज्ज्वल, रत्न उज्ज्वल उसका है, वो आपने वो विग्रह पे धारण किया है। सारदोल चरम सुख दिव्य तेज से, बड़े सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, उनसे प्रकाश निकल रहा है। सहस्र पात्रो परिसंस्थिताय वर वर वरागद मुख भुज दिव्याय, आपने बागांबर वो जो है बाघ की चरम का वस्त्र पहना हुआ है, आपसे दिव्य तेज निकल रहा है, और आप हजार दल वाले कमल के ऊपर विराजमान है, आपके दोनों भुजाएं सुंदर बाजूबन से सजत है। सुनुपोर रंजित पद पदम क्षरत शुद्ध भृत्य सुख प्रदाय, आपके चरण उसमें निपुर जो है, और जो आपका नृत्य है ये आनंद देने वाला है, अपने भक्तों को बड़ा सुख देता है, हम आपको प्रणाम करते हैं। उसके अंदर से अमृत निकलता है आपके दोनों लाल लाल चरणों से, और आपने अपने क्या कहते हैं पांव में पायल पहनी हुई है सुंदर, आपको प्रणाम है,
आप सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए हैं और क्या करते हैं, हरो वे दी हरि का हरि बोल करते रहते हैं, सबको हरि का नाम जपाते हैं, हरि का प्रेम देते हैं। श्री राम गोविंद हमने पढ़ा कि आप इनका नाम कीर्तन करते हैं। श्री नारद आद्य सततम सुगुप्या सुगोपिया, नारद सनक आदि ऋषि आपसे गुप्त रहस्य पूछने आते हैं और जिज्ञासा करते हैं और आप उनको उनकी इच्छा के अनुसार जिज्ञासा के अनुसार वरदान देते हैं। ते भ्यो हरे भक्ति सुख प्रदाय, आप हरि की भक्ति का सुख देते हो, कृष्ण भक्ति में लगाते हो। शिवाय सर्व गौरव नमो नमः, हे शंकर आपको नमस्कार करते हैं। श्री गौरी नेत्र उत्सव मंगलाय, श्री पार्वती का नेत्र उत्सव हो, मंगल करने वाले हो। तत् प्राण नाथाय, उनके प्राणनाथ हो, रस प्रदाय, उनको रस देते हो। सदा समुत्कंठ गोविंद लीला, सदा आपके मुख से गोविंद की लीला हरि की कथा चलती रहती है। गोविंद लीला गान प्रवीण, बहुत बड़े प्रवीण हो गोविंद लीला गान में। और ये श्लोक हमेशा जब शंकर जी की शिक्षाओं का वर्णन करते हैं तो पार्वती को कहते हैं वैष्णव, क्या कहते हैं, आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, सब आराधनाओं में विष्णु की आराधना परम है और उससे भी महान वैष्णव की आराधना है। तो यह गोविंद लीला गान प्रवीण नमोस्तु तुभ्यम, अब कहते हैं एतद् शिवष्टकम अद्भुतम महत, ये महान अद्भुत शिवष्टक है। श्रवण हरि प्रेम लभेत, जो सुनेगा उसको भगवान हरि का गोविंद का प्रेम मिलेगा, शीघ्रम बहुत जल्दी मिलेगा। ज्ञानम च विज्ञानम, उसको ज्ञान विज्ञान मिलेगा। अपौर वैभवम, और संसार में बहुत बड़ा वैभव मिलेगा, बड़े बड़े मंदिर बना लेगा। यो भव पूरण पूरण परमम, ये क्या इसके ऊपर वो डायलेक्ट मार्क है नहीं, ऐसे ही लिखा हुआ है, मैं तो अंदाजे से उसका अर्थ कर रहा परमम समाधरम, और उसको अनुभव का ज्ञान भी मिलेगा और ऐसा उसको अद्भुत शक्ति मिलेगी जिससे वो भक्तों में प्रचार कर सके। ये शिक्षा अष्टकम हमने शंकर जी का पढ़ा, समय पूरा हुआ। महादेव गणानाम यथा गंगा, जैसे बहने वाली नदियों में गंगा महान है। देवानाम अच्युतो, जैसे सब आराध्य भगवान के मूर्तियों में, भगवान के आराध्य विग्रहों में अच्युत गोविंद पूजन्य है, ऐसे वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में ऐसे सबसे पूजनीय शंभु है और 12 महाजनों में एक महाजन है। और शंकर जी की शिक्षाएं महाजन के रूप में बड़ी अद्भुत अपनी जगह पे हैं। एक वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तक है, पहले शंकर जी वैष्णव तिलक लगाया करते थे, लेकिन जब भूत प्रोतों ने, भूत प्रेत उनके जो ऐसे भांग पीने वालों ने ऐसा तिलक लगाया तो शंकर जी ने कहा ये तो फिर भगवान की अवहेलना हो जाएगी, तो उन्होंने फिर अपना तिलक बदला दिया ताकि ये लोग वैष्णव को परेशान न करें, इसलिए भूत प्रेतों को पाल के रखता है कि वैष्णव को परेशान न करें। तो इन शब्दों के साथ भगवान भोलेनाथ परम वैष्णव को प्रणाम करते, आज हरि भक्ति हमारे हृदय में, ऐसे महाप्रभु कहते हैं, वो जागृत करे, उनको बार बार प्रणाम करते हैं। शिवरात्रि महोत्सव की, वैष्णव नाम यथा शंभो भोलेनाथ की, नीलकंठ महादेव की, गंगाधर त्रिपुरारी की, राय गौर प्रेमानंदे, कुछ बोलिए बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने काफ़ी रोचक तरीके से शिव जी की महिमा बताई और कई बिंदु तो बड़े सूक्ष्म में बताए। तो इसमें एक विचार करना है कि दक्ष ने जो यज्ञ किया था तो भगवत गीता के अनुसार वो यज्ञ किस प्रकार है। गीता में भगवान 3 प्रकार के यज्ञ बताते हैं, तो जो सात्विक यज्ञ है तो अफलाकांक्षी फिर यज्ञो विधि दृष्टो यज्ञते, बिना फल की आकांक्षा के जो यज्ञ किया जाए और नियम विधि विधान के अनुसार किया जाए। यष्टभ्यम ए वेति मनः समाधाय स सात्विका, और यज्ञ करना चाहिए इसलिए जो है मन को समाधान करके जो यज्ञ किया जाता है सात्विक यज्ञ है। और रजोगुणी यज्ञ क्या होता है, अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थम अभिचेव्यत, कुछ फल को जो है सामने रख करके कि फल प्राप्त करना है, कोई भौतिक
फल प्राप्त करना है या दंभ, दंभार्थम, दंभार्थम माने दिखावा करने के लिए यज्ञ किया जाता है। तो दक्ष का जो यज्ञ था वो क्या था, एक दिखावा था। दिखावा क्या था कि मैं जो है इतना बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ और सबको बुला रहा हूँ, सब लोग देखें कि मैं कितना बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, मैं कितना बड़ा देखती हूँ। तो सब देवताओं को बुलाया और शिव जी को नहीं बुलाया, तो वास्तव में शिव जी का अपमान करने के लिए यज्ञ किया था कि मैं सबको बुलाऊं और शिव जी को ना बुलाऊं तो ऐसे सब लोग समझेंगे कि शिव जी जो है सबसे तुच्छ हैं, शिव जी में बहुत दोष हैं। तो शिव जी का दोष दिखाने के लिए कि शिव जी में दोष है, इस प्रकार से यज्ञ किया। तो यज्ञ का जो उद्देश्य था वो केवल शिव जी का अपमान करने का, तो अपराधी था वो, यज्ञ नहीं था। तो भगवान इसलिए नहीं आए, भगवान विष्णु नहीं आए, क्योंकि वो यज्ञ जो है उस भावना से था ही नहीं जिसमें भगवान को प्रसन्न किया जाए। एक वैष्णवों का, एक वैष्णव, एक महान वैष्णव महाभागवत का अपमान करने के लिए यज्ञ किया जा रहा था। और दक्ष ने ये सोचा कि पहले उसने सबके सामने शिव जी की निंदा की थी और शिव जी बिल्कुल चुप रहे, तो सब लोगों के बीच में ये बात समझ में आई कि ये दक्ष जो है मतलब सबके सामने शिव जी को इसने बहुत अपशब्द कहे, कटु शब्द कहे और शिव जी ने कुछ नहीं बोला, तो शिव जी तो महान है, तो शिव जी की महानता का कुछ प्रभाव पड़ा सब लोगों के अंदर कि शिव जी जो है उठ के चले गए चुपचाप और वो कुछ बोले नहीं, कुछ विरोध नहीं किया। तब दक्ष ने सोचा कि अब जो है मैं शिव जी की निंदा नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसा कार्य करूँ कि जिससे कि शिव जी क्या हो जाएं, नीचे, शिव जी का अपमान हो, शिव जी की निंदा हो, लेकिन मुझे निंदा ना करनी पड़े। तो यज्ञ के नाम पर कि भाई इतना बड़ा मैं यज्ञ कर रहा हूँ, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, इससे क्या कि भाई मैं शिव जी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन सब लोग शिव जी की निंदा करेंगे, ये जो है मतलब भाव है। तो इस प्रकार के भाव में जो है जब कोई कार्य किया जाता है तो देखने में तो लगता है कि भाई बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा जो है ये आयोजन है, बहुत बड़ा उत्सव है, कितना बड़ा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया, सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि कितना गलत है। तो वास्तव में ऐसा यज्ञ जो है वास्तव में अपराध है, वो यज्ञ है ही नहीं, क्योंकि जहाँ भगवान को प्रसन्न ना किया जाए और एक भक्त का अपमान करने के लिए वो यज्ञ किया जाए वो है केवल दिखावा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। दक्ष यज्ञ धर्म का अंग है, लेकिन वैष्णव के अपराध के कारण उसका विध्वंस हो गया। वैष्णव धर्म का काम करे, वैष्णव का अपराध करे तो कभी वो पूरा नहीं होता, ये इसका तात्पर्य। ये बहुत अच्छा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। शंकर भोलेनाथ की जय।